हेलो स्टूडेंट वेलकम इन सुभाष चंद्र अकेडमी ई लर्निंग क्लासेस टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू क्लास ट्वेल्थ मैथ चैप्टर नंबर फोर एक्सरसाइज फोर पॉइंट फोर माइनस एंड कोफैक्टर डेफिनेशन माइनस ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ अ डिटर्मिनेंट्स इज द डिटर्मिनेंट्स ऑप्टेन बाई डिलीटिंग इट्स आइथ रो एंड जेथ कॉलम इन विच एलिमेंट ए आई जे लाइज माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे इज डिनोटेड बाई एम आई जे जैसे सपोज दैट कोई आपका इस तरह से डिटर्मिनेंस है और यहां पर लिखा हुआ है ए वन ए टू B1, B2. तो अगर आपको A1 का डिटर माइनर लिखना है तो इससे रिलेटेड कॉलम कैंसिल हो जाएगा और इससे रिलेटेड रो कैंसिल हो जाएगा यानी इसका माइनर हुआ आपका B2. इसी तरह से अगर कोई थ्री क्रास थ्री का अगर डिटर्नेंट है ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री अगर आपको ए वन का माइनस पता करना है तो ए वंस का माइनर हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा आपका इससे रिलेटेड कॉलम कैंसिल हो जाएगा रो कैंसिल हो जाएगा और एक डिटरमिनेंट्स मिलेगा आपको बी टू बी थ्री डिटर्मिनेंट्स मिलेगा बी टू बी थ्री सी टू सी थ्री सी टू सी थ्री ये डिटर्मिनेंस मिलेगा इसी को माइनस बोलते हैं माइनस ऑफ एन एलिमेंट्स ऑफ अ डिटर्मिनेंस ऑफ ऑर्डर एंड इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर एंड माइनस वन डर एन माइनस वन अगर थ्री बाई थ्री का अगर मैट्रिक्स है तो उसका जो डिट माइनस मिलेगा उसका आर्डर एक कम होगा एन एन माइनस वन का होगा थ्री बाई थ्री का है तो टू का होगा एग्जाम्पल फाइंड द माइनस फाइंड द माइनस ऑफ एलिमेंट सिक्स अब आपको सिक्स का माइनस फाइंड करना है तो आपको करना क्या होगा कि इस six, six का माइनस फाइंड करना है तो सिक्स से रिलेटेड रो कैंसिल हो जाएगा और सिक्स से रिलेटेड कॉलम कैंसिल हो जाएगा आपका जाएगा डिटर्मिनेंस वन वन टू सेवन एट ये आपका डिटरमिनेंट्स मिलेगा इसको आप सॉल्व करना चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व भी कर सकते हैं एट माइनस सेवनटीन सॉरी एट माइनस फोर्टीन इक्वल टू माइनस सिक्स सेकेंड डिफिनेशन को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आईजे डीड बाई एज डिफाइंड बाई ए आई जे इक्वल टू माइनस वन के पावर आई प्लस जे एम आईजे वेयर एम द माइनस ऑफ ए आई अब हमको फाइंड करना है को फैक्टर माइनस हो गया अब को फैक्टर को फैक्टर क्या होता है को फैक्टर में माइनस वन के पावर किस रो में और किस कालम में है उन सबका एडिशन होता है ऊपर माइनस वन के पावर के रूप में और उसके बाद माइनस लिखते हैं एम आई जी तो किसी का भी अगर हमको को फैक्टर पता करना हो जैसे ये एक है आपके पास क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर टू फाइंड माइनस एंड को फैक्टर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट्स पहले हम माइनस पता करेंगे माइनस अगर फाइन करते हैं अगर वन का माइनस फाइन की तो ये कैंसिल हो जाएगा ये उससे रिलेटेड कॉलम कैंसिल रो कैंसिल तो आपको थ्री मिल जाएगा अगर हम यम वन टू फाइंड करते हैं यानी दूसरा एलिमेंट पहले रो का दूसरा एलिमेंट इसका अगर हम लोग माइनस पता करते हैं तो आ जाएगा आपका फोर इसी तरह से एम टू वन ये कैंसिल हो जाएगा केवल आपका बचेगा माइनस टू और एम टू टू यानी थ्री से रिलेटेड रो और कॉलम कैंसिल वन बचेगा अब हम फाइंड करते हैं को फैक्टर को फैक्टर कैसे फाइंड होगा ए वन टू ए वन टू लिखने का मतलब है कि वन आई है और टू जे है माइनस तो वन के पावर आई प्लस जे होता है तो माइनस वन के पावर वन प्लस टू इक्वल टू इन टू एम वन टू तो एम वन टू निकाले थे 4 आया है, और माइनस वन के पावर थ्री माइनस वन के पावर थ्री इक्वल टू माइनस होता है तो माइनस फोर हो जाएगा आपका इसको बोला जाता है कोफैक्टर फैक्टर ए टू टू करना है तो माइनस वन के पावर टू प्लस टू एम टू टू एम टू टू की वैल्यू आई है वन और माइनस वन की पावर फोर की वैल्यू होती है वन तो ए टू टू इक्वल टू भी वन आ गया ए वन वन निकालना है आपको ए वन वन तो माइनस वन की पावर वन प्लस वन यम वन वन यानी आपका माइनस माइनस एम वन वन इसकी वैल्यू थ्री आई है तो माइनस वन की पावर टू यानी टोटल वैल्यू थ्री आ गई ए वन वन और ए टू वन की वैल्यू माइनस वन की पावर आई टू है और जे वन है तो टू प्लस वन थ्री हो गया माइनस वन की पावर थ्री इन टू एम टू वन यानी माइनस की वैल्यू आई है माइनस टू टोटल मिला के आपका हो गया टू इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं माइनस और कोफैक्टर माइनस निकालते समय आप जिस एलिमेंट्स का माइनर निकालते हैं उससे रिलेटेड रो और कॉलम को कैंसिल करने के बाद जो एलिमेंट्स बच जाते हैं उसको डिटरमिनेंट्स में लिखते हैं और वो आपका माइनस होता है और जब हम लोग को फैक्टर निकालते हैं तो को फैक्टर निकालते समय जिस एलिमेंट को आपको लिखना है जिस एलिमेंट को लिखना है उसको माइनस वन की पावर आई प्लस जे करेंगे माइनस और आपका निकल जाएगा कोफैक्टर फाइंड माइनस एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ए वन वन ए टू वन इन द डिटर्मिनेट्स ये आपके सामने एक डिटर्मिनेट्स है ये इसमें से आपको ए वन वन का कोफैक्टर चाहिए और माइनस चाहिए आप होमवर्क करेंगे हम एग्जाम्पल नंबर टू बताने जा रहे हैं एग्जाम्पल ट्वेंटी टू फाइंड माइनस एंड को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेट टू ये आपका है टू माइनस थ्री फाइव सिक्स जीरो फोर वन फाइव माइनस सेवन एंड वेरीफाई दैट और आपको ये वेरीफाई भी करके दिखाना है इस क्वेश्चन में तो सबसे पहले तो आप माइनस एंड को फैक्टर फाइन करेंगे अब आप माइनस एंड को फैक्टर फाइन कर सकते हैं यम वन वन एम वन टू यम वन थ्री एम वन टू माइनस एंड को फैक्टर अब आप फाइंड करना सीख गए और फाइंड कर सकते हैं करके आप लेफ्ट हैंड साइड में सबकी वैल्यू रखेंगे जो भी आपका आया हुआ है टू इंटू माइनस वन टू प्लस माइनस थ्री इंटू ट्वेंटी टू प्लस फाइव इंटू एट्टीन और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस ट्वेंटी फोर माइनस सिक्सटी सिक्स प्लस नाइन्टी यानी जीरो एक्सरसाइज फोर पॉइंट फोर फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें राइट माइनस एंड को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स क्वेश्चन नंबर टू में भी है क्वेश्चन नंबर वन एंड टू आप होमवर्क करेंगे यूजिंग को फैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो इवेलुएट यूजिंग को फैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेकेंड रो को फैक्टर का यूज करके एलिमेंट्स आप सेकेंड रो के को फैक्टर का यूज करके आपको इसका इवेलुएट करना सॉल्व करना है तो सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है ए टू वन ए टू वन को फैक्टर यानी माइनस वन के पावर टू प्लस वन माइनस वन के पावर टू प्लस वन और आपका ये डिटरमिनेंट्स बचेगा इसको साल करेंगे सेवन आएगा ए टू टू माइनस वन के पावर टू प्लस टू ये आएगा आपका सेवन ए टू थ्री माइनस सेवन आ रहा है तो आप आप जब साल करेंगे तो वो एलिमेंट लिखना होगा इनटू कोफैक्टर को फैक्टर ए टू वन इंटू ए टू वन कैपिटल ए टू वन प्लस स्मॉल ए टू टू इंटू कैपिटल ए टू टू प्लस स्मॉल ए टू थ्री इंटू कैपिटल ए टू थ्री स्मॉल ए टू वन ये क्या है ये एलिमेंट है स्मॉल ए टू वन एलिमेंट है और ये उसका कोफैक्टर है एलिमेंट्स और कोफैक्टर सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट एलिमेंट्स सेकेंड एलिमेंट्स एंड उसका को फैक्टर प्लस किए प्लस थर्ड एलिमेंट और उसका को फैक्टर तीनों को सॉल्व करेंगे तो ये डिटर सॉल्व हो जाएगा ये डिटर को सॉल्व करने का प्रोसेस है क्वेश्चन नंबर फोर यूजिंग को फैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड कॉलम इवेलुएट अब इसी तरह से जैसे अभी हमने किया तो थर्ड कॉलम थर्ड कॉलम को लेकर उसके को फैक्टर के हेल्प से इसको सॉल्व करना है तो थर्ड कॉलम आप देख रहे हैं थर्ड कॉलम आपका ये है तो पहला एलिमेंट्स है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यानी ए वन थ्री को फैक्टर ए वन थ्री फाइंड कर लेंगे एक्स माइनस जेड माइनस वाई आएगा इसी तरह से ए टू थ्री फाइंड करेंगे माइनस जेड माइनस एक्स आएगा ए थ्री थ्री माइनस वन माइनस वन थ्री प्लस थ्री वन एन की पावर थ्री प्लस थ्री और इसको सॉल्व करेंगे ए थ्री थ्री आ जाएगा वाई माइनस एक्स अभी जैसे हम सॉल्व किए हैं इसके पहले अगर आप इस तरह से सॉल्व करेंगे एलिमेंट्स इनटू कोफैक्टर एलिमेंट्स इनटू कोफैक्टर इसको सभी को लिखेंगे आप जैसे अभी लिखे थे इसके पहले क्वेश्चन में तो आपको मिलेगा ये अकॉर्डिंग टू सॉल्व हो रहा है थर्ड कॉलम, और सबकी वैल्यू रखेंगे वैल्यू रखने के बाद आपको मिलेगा ये आप साल कर सकते हैं इसको माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस वाई जेड स्क्वायर इसमें से माइनस वाई जेड काम ले लिए इसमें से ले लिए और इसमें से स्क्वायर काम ले लिए यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इसको वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड फार्मूला से हम स्प्लिट कर दिए अब आप देख रहे हैं तीनों टर्म में आपका आ रहा है तीनों टर्म में है वाई माइनस जेड हमने कामन ले लिया और बच गया माइनस वाई जेड प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस एक्स स्क्वायर और यहां से अब आप एक्स जेड माइनस वाई जेड कामन एक प्रास में पास में रखेंगे और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई पास में रखेंगे इनसे फायदा क्या होगा आप इनसे जेड कामन लेंगे तो एक्स माइनस वाई आएगा और इनसे एक्स कामन लेंगे माइनस एक्स तो एक्स माइनस वाई आएगा और इन दोनों टर्म से एक्स माइनस वाई बाहर हो जाएगा तो वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई और बच जाएगा अंदर जेड माइनस एक्स ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर फाइव इफ डिटर्मिनेंस ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री एंड ए आईजेज ए को फैक्टर ऑफ ए आई जे देन वैल्यू ऑफ डिटर बाई तो आप अभी इसके पहले हमने सॉल्व किया कि एलिमेंट्स लिखते हैं और को फैक्टर लिखते हैं एलिमेंट्स के साथ को फैक्टर ये एलिमेंट्स के साथ को फैक्टर एलिमेंट्स के साथ को फैक्टर और सबको ऐड कर देते हैं और यही डिटर्मिनेट्स का सलूशन होता है तो ये आपका सही है डी